तो जब मैं जानता ही नहीं तो उसके बारे में क्या बोलूं? जब मैं नहीं जानता हूं तो देखिए, एक्चुअली देखिए, ये पब्लिक सिटी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने आप को ऊपर करना है कि दुनिया मुझे जाने। सिद्धार्थ मल्होत्रा को भोजपुरी में कोई औकात नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, उनको लगता होगा कि टॉयलेट है तो टॉयलेट उनके अंदर लगती होगी, जो हमारी, लेकिन हमारी माँ है वो, और हम अपनी माँ को, हमारी माँ को कोई गाली दे और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई भाई, मैं भोजपुरी, जहाँ तक भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी इस देश में बहुत अहमियत रखता है। और हर आदमी, एक से एक जिस शहर में जाइए, भोजपुरी के IPS अफसर मिलेंगे आपको, और बिहार से मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे। इस भाषा को लेकर के कई हिंदी फिल्में जो बनी सुपरहिट हुई। अदर भैया, उनकी कोई पहचान नहीं है भोजपुरी में। अदर भैया, अदर भैया, एक सेकंड में बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखा था जो बोले थे वो उल्टा चल रहा है। भोजपुरी भाषा बोलना मतलब टॉयलेट निकल गया उनका भोजपुरी भाषा बोलने में। एक भोजपुरी भाषा की, खेसारी लाल यादव की एक फिल्म आई थी, हमारी भाषा ऐसी है, मुकद्दर फिल्म आई थी, उसको 2 महीना में 5 करोड़ लोगों ने देखा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई एक हिंदी का गाना कोई बता दे कि हाँ, कोई 2 करोड़ भी देखा है, तो कैसे? तो उनसे कई गुना ज्यादा भोजपुरी का अस्तित्व है, भोजपुरी बोलने वालों के अस्तित्व है उनके साथ में। मनोज वाजपेयी कई गुना ज्यादा भोजपुरी है और आजीवन रहेगा। भोजपुरी भाषा बोलने में मल्होत्रा की औकात नहीं है भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी भाषा बोलने में उनकी संडास निकल गई, वो ये बोले थे। सर, मनोज तिवारी जी ने FIR कराने का, जिस मंच से वो बोले थे ना, जिस मंच से बोले थे, सलमान खान का वो मंच है। और सलमान खान समझिए कि एक बहुत बड़ा नाम है और हम उनको बहुत मानते हैं। और सलमान खान ही दबंग जब फिल्म सिनेमा किए थे तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो भोजपुरी का ट्यून था और भोजपुरी की भाषा की वो फिल्म थी। और उस भाषा को लेकर अपने आप को वो स्थापित किए कि भोजपुरी भाषा के जब चीजें चलती है तो दुनिया में फाड़ के रख देती है। और भोजपुरी के लोग भी ऐसे ही होते हैं। हमारी पहचान हमारी खुद से है, हमारे किसी चैनल से नहीं है। उनको चैनल पे आकर, वैसे इंटरनेशनल चैनल पर आकर बोले तो उनको नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी निजता उसी से प्रदर्शित कर दी, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भोजपुरी भाषा, सारी जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सलमान सर के साथ पिक्चर करने वाले हो, इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे। कब हुआ है ये? 15 दिन पहले की। अच्छा, हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लड़का सिर्फ यूट्यूब देखता है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, जैसे सलमान जी से मेरा कंपेयर किया जाता है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी, सलमान जी बहुत बड़े चीज है। मैं एक रीजनल सिनेमा हूँ, लेकिन मैं 35 करोड़ों में जाना जाता हूँ। मेरी भी पहचान जो है 35 करोड़ों में है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो सकता है मुझे 5-7 करोड़ में होगी, शायद ही उतनी भी नहीं होगी। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की औकात खेसारी के पास बैठने की नहीं है, तो भोजपुरी के लोगों की और भोजपुरी भाषा के पास तो इर्द गिर्द नहीं बैठ सकते। और खेसारी की ऊर्जा में सिद्धार्थ मल्होत्रा कहीं नहीं है। 24 घंटा नहीं, 72 घंटा खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग काम करते हैं, क्योंकि माँ के दूध पिए हैं और अपने माँ के मिट्टी, जिस मिट्टी के बारे में उन्होंने बोला है, उसी मिट्टी के अन्न आता है जब यहाँ पे, क्योंकि उनके धरती पे कभी अन्न नहीं उगाया जाता है, हमारी मिट्टी पे उगाया जाता है। और उसी मिट्टी के गेहूं और चावल खाकर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आप को स्थापित किए हैं और जवान हुए हैं, तो उस मिट्टी का कम से कम उनको कदर करना चाहिए। वो बोलते जो भी बोलना है। अब ऐसी शब्द वो बोले थे, मैं सुना तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे किसी ने भेजा, और मनोज भैया को दिल से थैंक यू, लव यू मनोज भैया, जो मनोज भैया ने FIR किया। अगर बस चले तो हम पूरी भोजपुरी FIR कर देनी चाहिए। अगर वो सॉरी नहीं बोले तो मेरा भी FIR गया होता। उनको FIR होता है ना। हाँ। अब बताइए, वो इंग्लिश बहुत बोलते होंगे, लेकिन उनकी 5 करोड़ कोई नहीं देखता है, लेकिन खेसारी के 2 महीने में 5 करोड़ लोग देख लेते हैं। हम स्टेज शो करते हैं तो हमारी 6-6 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के व्यूवर्स है। तो उनको देखना चाहिए एक बार भोजपुरी के लोगों को, जो भोजपुरी मेहनत कैसे करती है, भोजपुरी मिट्टी के लड़के कैसे होते हैं। क्या बात है, जय हो भोजपुरी समाज। हमारे बड़े भैया उमेश भैया है, आप ब्रांड एंबेसडर आल्सो आप बन रहे हैं। फिर इंग्लिश बोला। दिल से थैंक यू कि एक भोजपुरी का आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन आप निधि झा के साथ कौन सी मूवी बनाने वाले हैं सर? इनके साथ, अरे निधि झा आज की डेट में ऐसी थोड़ी है जो खेसारी की पहचान से इनकी पहचान बनी है। ये खुद इतनी पावरफुल है और इन्होंने अपनी पहचान खुद से बनाई है, तो ईश्वर जिस दिन चाह देगा कि निधि के सामने हमें झुकना है, तो ईश्वर ने चाह दिया है, मई में दोनों साथ में काम कर रहे हैं। क्या, तो ईश्वर जिस दिन चाहेगा कि हाँ अपने बीवी के कदमों में झुक जाओ तो झुक जाओ, क्योंकि जब ही बनेगी तो मेरी बीवी ही बनेगी ना। तो इसलिए दिल से थैंक यू, और इनके करियर के लिए मैं दिल से दुआ, भगवान से दुआ करता हूँ। बारे में क्या कहना है?
जो वाइफ बोले है वो जॉब देना है। बोल दिया जी, आई लव यू। क्या बात है, एक ही लगा। अभी लोग इन लोगों को तो मिल गया, मिल गया। अभी कहेंगे घर पे लेके आएंगे, पूरे पब्लिक के सामने हजारों की करोड़ों की भीड़ में मैंने की सारी अभी बोल दिया। लव यू नहीं बोला, आई बोला बनाना है मूवी के। आप क्या चाहते हैं? आई लव यू टाइटल का नाम लिया, आपने रिस्पांस नहीं दिया उनको, इसके लिए सॉरी। आई लव यू फिल्म का नाम है हमारा। अभी बाजू में घर है मैं सबसे पहले अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव। हमारे डायरेक्टर चंदन जी, ये तीसरी फिल्म है जुनून जो बना रहे हैं, और हमारी ढेर सारी शुभकामना है। फिल्म बहुत अच्छी बनाए, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, और ये देखा जाए तो छोटा माचिस बड़ा धमाका, कम उम्र में बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। आपका किस तरह रोल रहेगा, किस तरह कहानी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सब जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर डिफेंड करना पसंद करती हूँ, तो सेम वे में जुनून जो है, जहाँ पे नीतीश आपको एक नए अवतार में चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यस, ये कैरेक्टर भी जो मैं प्ले करने जा रही हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आपको सबको मजा आएगा। लेकिन हमेशा आपके साथ नए चेहरे रहते हैं, तो उसी से हम फेस करना। देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि सब में टैलेंट होता है, सबको मौका देना चाहिए। हमारे नए लॉन्च हो रहे हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। एंड मैं तो चाहूंगी कि जितने लोग आए उन सबको मौका मिले, सब अपना टैलेंट दिखा सके। यू नेवर नो कि छोटे छोटे चीजों में आपको बड़ा बॉम्ब मिल जाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी, माइक कहीं है ना, आने वाली पीढ़ी के बारे में जो हमारे आजकल लड़के आ रहे हैं वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जिम पे ध्यान दे रहे हैं। तो बॉडी बनाने से अगर इंसान एक्टर बन जाता तो शायद ये पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, सब लोग हीरो बन जाते। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग आ रहे हो और ऊर्जा के साथ आओ। बॉडी बनाने से सिनेमा नहीं चलती है। खेसारी की पहचान बनने के बाद खेसारी ने अपने वर्कआउट पर ध्यान दिया और बॉडी बनाया। पवन जी की सिनेमा चलने के बाद ऐसी हुई। तो आप लोग अपने एक्टिंग और डांस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारा भोजपुरी सिनेमा और आगे जाए और अच्छे एक्टर आए। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। तो आप लोग सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, जिम पे ध्यान देने से सिनेमा नहीं चलेगा, नहीं तो पूरी दुनिया जिम करके और हीरो बन जाती। तो प्लीज आप लोग अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, ताकि हमारे सिनेमा का उठान और हो, और भोजपुरी में तीन हीरो नहीं कम से कम 50 हीरो हो, ताकि हर आदमी बिजी रहे और हर आदमी को रोजी रोटी मिलता रहे।